नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आजकल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के बयान उत्तर प्रदेश में सियासी धड़कनों को बढ़ा रहे हैं। न्याय की जंग के साथ पिछले दिन भानवी सिंह ने राजनीति में उतरने का संकेत दिया। इसके बाद से लगातार भानवी सिंह के हर कदम पर सभी की नजरें टिकी हैं। हालांकि भानवी सिंह ने एक और पोस्ट से कह दिया है कि उनकी लड़ाई दल के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच में है। अदालत में तलाक का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने अपने देवर और एमएलसी अध्यक्ष प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर किया हुआ है। फिलहाल कथित तौर पर मामले में सुस्त जांच को लेकर भानवी निराश है और सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी बात रख रही है। इसी क्रम में भानवी ने नए पोस्ट में चार पंक्तियों के जरिए अपनी बात रखी है। भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है, नारी है सहज सरल, रखती सबका ख्याल, बन जाती चंडी वही जब सम्मान पर उठे सवाल। इसी भाव के साथ न रुकना है न थकना है, चलना है बस चलना है। पारिवारिक झगड़े के बीच पिछले दिन भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, कभी कभी सोचती हूँ जब रियासत राजघरानों से संबंधित महिलाओं को अपने सम्मान गरिमा की रक्षा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, सरकार से याचना करनी पड़ती है और एक आईओ भी किसी की शह पर धमकी भरी भाषा में बात कर सकता है तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में जरूर लड़ूंगी लेकिन महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का भी संकल्प लेकर जल्द मैदान में उतरूंगी, उचित समय का इंतजार कीजिए। भानवी सिंह के इस पोस्ट से कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भानवी राजनीति में भी उतर सकती हैं। पोस्ट में उन्होंने महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात भी कही है जिससे इस बात का संकेत मिल रहा है आने वाले दिनों में भानवी पूर्ण रूप से सियासी पिच पर बैटिंग कर सकती हैं। अब जिस प्रकार से राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह इस तरीके से पोस्ट करती हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं वो ये संकेत तो देती दिखाई दे रही हैं कि वो जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट लाइन न्यूज़।